नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए नोटिस की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आप आरओ एआरओ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस समय पर 2 PDF तैयार हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जो परीक्षा है आरओ एआरओ की, ये 13 सितंबर को होनी थी, प्रस्तावित था, बिल्कुल सही है। इसमें लिखा गया है कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। दोस्तों, ये समझ नहीं आ रही है कि क्या ये एक संयोग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी थे, इसलिए परेशान थे कि उनका ओ लेवल का जो परीक्षा होनी है, जो ए ओ लेवल का जो शेड्यूल आया हुआ है, वो 13 सितंबर के आसपास का ही था। मतलब 13 सितंबर को भी ओ लेवल की परीक्षा थी। मगर दोस्तों, देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे लोगों को अब ओ लेवल की परीक्षा नहीं छोड़नी पड़ेगी। तो 20 तारीख को हो गई है, तो जिन लोगों का पहले ओ लेवल का पेपर है, आप ओ लेवल दीजिए अच्छे से, और उसके बाद में अपनी आर ओ ए आर ओ की परीक्षा दीजिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या हम अगर ओ लेवल पास कर लेते हैं ये वाला, तो क्या हम इसके लिए मान्य होंगे? बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। दोस्तों, आप ये मान लीजिए, जो नोटिफिकेशन था उस डेट तक आपके अगर क्वालिफिकेशन है तो मान्य होगा। अगर उसके बाद में आप कर लेते हैं, जैसे 2016 की परीक्षा है, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, अभी तक 4 सालों में भी अगर आपने ये ओ लेवल हासिल कर लिया होगा, तब भी आपका सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब समीक्षा अधिकारी की बात करें, उसमें ओ लेवल की आवश्यकता ही नहीं है। और दोस्तों, इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है 2016 वाली, तो 2016 वाली भर्ती में जो है आरओ के पद ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा पद हैं, तो इसलिए जो है आप तैयारी कीजिए। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन पे जो है आपको जल्दी ही हमारे PDF तैयार हो जाएंगे, आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।